331 BC यूनान के अलेक्जेंडर को रोकना असंभव साबित हो रहा था। रणनीति और रणकौशल में अलेक्जेंडर का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। पर्शिया के महान सम्राट डेरियस गोगामेला की लड़ाई में अलेक्जेंडर से बुरी तरीके से हार गए थे। इस हार के बाद डेरियस के सत्रप बेसस ने डेरियस को मार के अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था और अलेक्जेंडर बेसस के पीछे राज्य पर राज्य जीतते हुए हिंदू कुश तक पहुंच गए। 329 BC अलेक्जेंडर ने बेसिस को हरा दिया और सारे शहर को मौत के घाट उतार दिया। हिंदू कुश पहुंचने के बाद अलेक्जेंडर की नजर सिंधु नदी पार आधुनिक पाकिस्तान और भारत जमीन पर पड़ गई। कहते हैं कि ग्रीक लेजेंड हरक्युलिस भी सिंधु नदी पार हुकूमत करने में नाकाम हो गए थे। इस वजह से अलेक्जेंडर के लिए इस जमीन पे कब्जा उनका सपना था। 327 BC अलेक्जेंडर और तक्षला के बीच संधि हो गई। 327 BC से 326 के बीच अलेक्जेंडर ने आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। अलेक्जेंडर ने इन लड़ाइयों में बेहद क्रूरता दिखाई और आम जनता का बार बार नरसिंहार करने का आदेश दिया। 326 BC अलेक्जेंडर की सेना हिडास्पस नदी आधुनिक झेलम के पास पहुंच गई। झेलम नदी के उस पार 7 फुट लंबे रण कौशल में निपुण पोरस का शासन था। सूचना मिलते ही पोरस भी अपनी सेना को लेकर झेलम नदी के पूर्वी दिशा में पहुंच गए। दोनों की सेना नदी के इस पार और उस पार खड़ी हो गई। अलेक्जेंडर को पोरस के राज्य की चढ़ाई करने के लिए इस नदी को पार करना जरूरी था और पोरस को अलेक्जेंडर को इस कार्य से रोकना जरूरी था। ये नदी गहरी थी और बारिश की संभावना बहुत ज्यादा थी। देरी करने पर नदी की गहराई और बढ़ जाती। कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने अपने एक हमशक्ल को आधी सेना के साथ पोरस की सेना के ठीक सामने नदी के उस पार खड़ा कर दिया था और खुद बाकी की सेना के साथ पोरस की नजरों से बचते हुए गोल घूमते हुए रात के अंधेरे में नदी की एक छोर तक पहुंच गए। अंधेरा और तेज बारिश में अलेक्जेंडर की सेना ने झेलम नदी को पार कर लिया और पोरस के इलाके में प्रवेश कर गए। मगर यह सूचना पोरस को मिल गई और इस बात ने पोरस को उलझन में डाल दिया कि मुख्य सेना कौन सी है, वो जो नदी के उस पार है या वो जो नदी के इस पार है। इस वजह से पोरस ने एक छोटी सी सेना अपने पुत्र के अंदर अलेक्जेंडर की सेना को रोकने के लिए भेज दी। दोनों के बीच जंग हुई और इस जंग में पोरस के पुत्र मारे गए। पोरस को अब समझ आ गया कि अलेक्जेंडर के नेतृत्व वाली सेना ही मुख्य सेना है और नदी के उस पार की सेना छलावा है। दोनों की सेना आमने सामने आ गई। अलेक्जेंडर के दाएं और बाएं खुर सैनिकों की एक पंक्ति थी। उनके केंद्र में लंबे भाले वाले सैनिक तैनात थे। उनके पीछे तलवार बाज सैनिकों की एक टुकड़ी थी। इसके अलावा केंद्र में पत्थर और भाले फेंकने वाले हमलावर भी थे। अलेक्जेंडर की रिजर्व में खुर सैनिकों की एक टुकड़ी थी जो इशारे मिलने पर 3 अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित हो सकती थी। सहायक सेना के रूप में अलेक्जेंडर के पास धनुधर खुर सैनिकों की एक पंक्ति भी थी जो उन्हें तक्षला या पर्शिया से मिली थी। दूसरी ओर पोरस के सबसे आगे हाथियों की एक पंक्ति थी। उनके पीछे पैदल सैनिक तैनात थे जो अलग अलग हथियारों के हिसाब से विभाजित थे। पोरस के दाएं और बाएं भी खुर सैनिक तैनात थे। अलेक्जेंडर को रणनीति में निपुणता हासिल थी। वो युद्ध के मैदान को शतरंज की तरह खेलते थे। सबसे पहले उसने अपने बाएं फ्लैंक में अपने रिजर्व को खड़ा कर दिया, जिस वजह से अलेक्जेंडर का बाएं फ्लैंक पोरस के दाएं फ्लैंक से बहुत ज्यादा मजबूत लगने लगा। पोरस को लगा कि हमला यहीं से होगा। इस वजह से उन्होंने तुरंत अपने बाएं फ्लैंक की कुछ पंक्तियों को अपनी दाएं फ्लैंक में भेज दिया। अब पोरस का बाया फ्लैंक कमजोर पड़ गया। अलेक्जेंडर ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत समय ना बर्बाद करते हुए खुद नेतृत्व करते हुए पोरस के बाएं हिस्से पे अपनी 2.5 घुड़सैनिकों की टुकड़ी के साथ हमला कर दिया। ये हमला भीषण था। ये देखते ही पोरस ने अपने 2.5 घुड़सैनिकों की टुकड़ियों को वापस अपनी सेना के पीछे से अपने बाई ओर भेज दिया और साथ ही साथ अपने हाथी और पैदल सेना को अलेक्जेंडर की मुख्य सेना की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया।
जैसे ही पोरस की दाई सेना बाई ओर की सेना की तरफ बढ़ी, अलेक्जेंडर की बाई घुड़ सैनिक पंक्ति ने पोरस की दाई पंक्ति पे धावा बोल दिया और अलेक्जेंडर के रिजर्व ने तीन टुकड़ियों में बढ़ते हुए पोरस की बाई फ्लैंक और केंद्र की सेना पे पीछे से हमला कर दिया। इसके साथ ही केंद्र की सेना भी आपस में झुलझ गई। इन सारी रणनीतियों के बावजूद भी अलेक्जेंडर को पोरस को हराने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसका मुख्य कारण था घेरे जाने के बावजूद भी पोरस की सेना का हार ना मानने का स्वभाव। ये भीषण युद्ध घंटों तक चला, मगर अंत में जब हाथियों ने फ्लैंक्स के भालों और घुड़ सैनिकों के तीनों के लगातार वार से परेशान होके वापस पीछे हटना शुरू कर दिया तो युद्ध वापस यूनानियों के पक्ष में होने लगा। मगर 7 फुट लंबे पोरस ने हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे और बार बार दुश्मनों पे हमला करते रहे। सैकड़ों राज्यों के विजेता अलेक्जेंडर भी पोरस के लड़ने की क्षमता को देख के दंग रह गए थे। इसी युद्ध में अलेक्जेंडर के घोड़े बुसेफलस भी मारे गए। मगर अंत में बार बार संदेश भेजने के बाद पोरस ने अलेक्जेंडर से संधि करने पर विचार बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। यूनानी इतिहासकारों के हिसाब से अलेक्जेंडर का पल्ला भारी रहा, मगर बहुत आधुनिक दार्शनिकों के हिसाब से पोरस का पल्ला भारी रहा। और इस मत के पीछे उनके प्रमुख कारण हैं। पहला, इस युद्ध के अंत में पोरस राजा बने रहे और उनके राज्य का और विस्तार हो गया। दूसरी बात, इस युद्ध से पहले अलेक्जेंडर ने बैक्ट्रिया और हिंदू कुश के राज्यों में कत्लेआम मचा रखा था, किसी को नहीं बख्शा गया था, तो पोरस को क्यों छोड़ दिया गया। तीसरी बात, अलेक्जेंडर पर्शिया वापस सीधे रास्ते से नहीं गए, बल्कि वो हिडास्पस की नदी और बलूचिस्तान के रेगिस्तान के रास्ते से सूसा पहुंचे। उनके खुद के हिसाब से अगर वो बैक्ट्रिया की तरफ से वापस जाते तो उनके सत्रपों को लगता कि वो हार के वापस आए हैं। चौथी बात, पोरस को दुनिया यूनानी और फारसी प्रमाणों की वजह से जानती है और हर इतिहासकार हमेशा अपने राजा के पक्ष में ही लिखता है। इस वक्त तक हिंदुस्तान के राज्यों में लिखने की प्रथा नहीं थी, यहाँ पर गुरु द्वारा शिक्षा छात्रों को मुजबानी दी जाती थी। जो भी था, इस युद्ध के पश्चात अलेक्जेंडर की सेना को भारी नुकसान हुआ था, जिस वजह से अलेक्जेंडर की सेना ने नंदा की महान सेना पर हमला करने का इरादे को छोड़ दिया और वो वापस हिडास्पस और बलूचिस्तान के रास्ते से पर्शिया की तरफ निकल पड़े। और 324 BC में वो और उनकी सेना अलग अलग रास्तों से सूसा पहुंच गई। 1 जून 323 BC में अलेक्जेंडर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। आधुनिक इतिहासकारों के हिसाब से उन्हें जहर देकर मारा गया था। इसके 2 साल बाद पोरस की भी पंजाब क्षेत्र में जहर या छुरे से हत्या कर दी गई। अंत में ये दोनों महान योद्धा रण में नहीं बल्कि छल से मारे गए। मगर जहां पोरस और अलेक्जेंडर के राजकाल का अंत हुआ, वहीं एक और शक्तिशाली शासक का उदय हुआ जिसने यूनानी सेना को फिर वापस पीछे खदेड़ दिया। इस शक्तिशाली शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य।